नमस्कार, माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी, आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ। बचे हुए पीठे से हम एक रेसिपी आपको बताऊंगी जो कि आप कच्चे बनाकर आप लोग खाते हैं। तो हम बचे हुए से कल हम पीठा बनाए थे तो हमारे घर में बहुत सारा बच गया है, बच्चे लोग बड़े लोग कोई नहीं खाया है। तो उसको हम आपको बताऊंगी कि आप कैसे उसको खाएंगे। अगर उस तरह आप बना के खाएंगे तो सब बड़े बच्चे सब लोग खा लेंगे। और वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहूं। चलिए तो मैं दिखाती हूँ कि बच्चे हुए पीठे के कैसे हम बनाएं इसको अलग तरीके से। तो ये हमारे घर में पीठा बच गया है तो हमारे बच्चे बूढ़े कोई नहीं खाया तो हम इसको बताते हैं। इसके लिए हम पीठा को ले लिए हैं। एक चम्मच हम जीरा लिए हैं, आधी चम्मच हम काली जीरा मिर्च पाउडर लिए हैं, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। तो इतने से हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीठे को कट कर लेते हैं। तो हम अलग हटाते हैं, इस तरह पीठे को काटना है, पतली पतली पीठे काटेंगे हम। कढ़ाई को बैठा दिए हैं, तेल को हम डाल दिए हैं। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालूंगी जीरा। एक चम्मच मैं जीरा डालती हूँ, एक छोटे टुकड़े में सूखी मिर्च डालूंगी, लाल मिर्च है। अभी हम जीरा को चटकने दे रहे हैं। ये जो पीठा हुआ बचा हुआ इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। इसको फ्राई करके मैं बताती हूँ कि कैसे इसको फ्राई किया जाता है। तो जीरा मेरा चटक चुका है तो इस पीठे को हम इस तरह मैं डालती हूँ, सारे पीठे को इस तरह डाल करके मैं फ्राई कर लूँगी। ये जो मेरा पीठा है इसको फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा काली मिर्च में इस पर डाल दे रही हूँ। ये थोड़ी लाल मिर्च है इसको भी मैं थोड़ी डाल दे रही हूँ। इस तरह अपने घर में पीठा जो बचे तो इसको तले तल करके इसको फ्राई करके आप खाएं तो बहुत इसका टेस्ट अच्छा आता है। एक भी पीठा घर में नहीं बचेगा, सारे लोग आराम से इस पीठे को खा लेंगे। तो हमारा ये पीठा फ्राई हो चुकी है, अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया हमारा पीठा फ्राई हो चुका है। इस तरह अपने सारे पीठे को इस तरह हम मैं निकाल ले रही हूँ। तब मैं अब हम सारे पीठे को फ्राई कर चुके हैं, तब मैं चलती हूँ परोसने के लिए। ये लीजिए हमारा फ्राई पीठा तैयार हो चुकी है। तो इस तरह आप भी अपने घर में पीठा बनाएं। हम चटनी के साथ परोसे हैं तो आप भी चटनी के साथ इस पीठे को परोसिए और इस तरह अपने घर में पीठा बनाएं और खाएं, स्वस्थ रहे। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और अगला वीडियो की इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।